हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज झटपट से इंस्टेंट वाली गार्लिक ब्रेड बना लेते हैं। टेस्ट में ये एकदम लाजवाब लगती है। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम गार्लिक बटर बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़ा चम्मच बटर लिया है। बटर को मैंने हल्का सा मेल्ट कर लिया है। 1 चम्मच ग्रेट किया हुआ हम इसमें लहसुन डालेंगे, 3/4 चम्मच ओरिगेनो, 3/4 चम्मच चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। यहाँ पर मैंने बटर सॉल्टेड लिया है। अगर आप अनसॉल्टेड ले रहे हैं तो इसमें 1/4 टीस्पून नमक ऐड कर दीजिए। सबको अच्छे से मिला लेंगे और ये हमारा गार्लिक बटर तैयार है। यहाँ पर मैंने 4 स्लाइस ब्रेड की ली है। यहाँ तवे पे हम थोड़ा सा बटर डालेंगे। मैंने ये नॉर्मल बटर ही लिया है। इसे हम ब्रश से फैला लेंगे। अभी हम इसके ऊपर ब्रेड स्लाइस रख देंगे और इसे एक तरफ से हल्का सेक लेंगे। 1 मिनट में ही हमारी ब्रेड नीचे से हल्की सिक जाएगी। फ्लेम हमें लो रखनी है। आप चाहे तो इस प्रोसेस को स्किप भी कर सकते हैं, बट ऐसा करने से गार्लिक ब्रेड हमारी थोड़ी क्रिस्पी बनती है, साथ ही टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो ब्रेड नीचे से हल्की सी सिक चुकी है, इसे हम निकाल लेंगे। थोड़ा सा तवे को फिर से हम बटर से ग्रीस कर लेंगे और बाकी के ब्रेड को भी सेक लेंगे। चारों ब्रेड स्लाइस को हमने हल्का सेक लिया है। अभी जिस तरफ हमने इसे सेका है उस तरफ हमने जो गार्लिक बटर बनाया था उसे हम इस पे लगा देंगे और इवनली स्प्रेड कर देंगे। चारों ब्रेड स्लाइस पे मैंने गार्लिक बटर लगा दिया है। अभी इसके ऊपर हम डालेंगे चीज़। तो चीज़ आपको जितना पसंद हो उतना आप इस पे डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये डाइस चीज़ लिया है। आप चाहे तो चीज़ क्यूब को भी ग्रेट करके इस पे डाल सकते हैं या चीज़ स्लाइस भी रख सकते हैं। चीज़ डालने के बाद अभी हम इस पे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो स्प्रिंकल कर देंगे। चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो स्प्रिंकल करने के बाद आप चाहे तो इसे ओवन में भी बेक कर सकते हैं। हम इसे तवे पे ही सेकेंगे। तो यहाँ तवे पे हम थोड़ा सा बटर से इसे ग्रीस कर देंगे और इस पे हम ब्रेड स्लाइस को रख देंगे। अभी हम इसे यहाँ पे कवर कर देंगे। कवर करके हम इसे 3 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पे सेकने देंगे या जब तक कि चीज़ अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। 3 मिनट बाद चीज़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है। ब्रेड स्लाइस को भी हम नीचे की तरफ से चेक कर लेते हैं। तो ये ब्रेड हमारी अच्छे से सिक चुकी है। अगर आपको थोड़ी सी और सिकी हुई चाहिए तो आप इसे 1 मिनट के लिए और सेक सकते हैं। इसे हम निकाल लेंगे। तो अब आपको जब भी गार्लिक ब्रेड खाने की इच्छा हो तो आप ये झटपट सी बनने वाली इंस्टेंट गार्लिक ब्रेड की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये दिखने में ही कितनी यमी और टेम्पटिंग लग रही है। मैं यहाँ इसे ट्रायंगल शेप में कट कर रही हूँ। आप इसे लंबी लंबी स्ट्रिप्स की तरह भी कट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ इसे टोस्ट की तरह बनाया है। आप इसे ऊपर ब्रेड स्लाइस से कवर करके सैंडविच की तरह भी बना सकते हैं। तो बनाने में बहुत आसान है। इसे इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिए। यहाँ मैंने इसे टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।